जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में 26 आर्मी पर्सनल को लेकर जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। जापानीज गवर्नमेंट भारत के साथ 12 कंट्रीज को अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल्स एक्सपोर्ट करने की बना रही है योजना। 2025 तक इंडियन नेवी का कारवार बेस होगा एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक हरकतों को किया एक्सपोज। और अफगानिस्तान को लेकर एनएसए अजीत डोभाल का एक बड़ा बयान। आज लद्दाख के तुरतुक सेक्टर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, और वो यह है कि 26 आर्मी पर्सनल को लेकर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में जो बस है वो रोड से स्किड करके नीचे श्योक नदी पर जाकर गिरी थी। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटना में हमने अपने 7 आर्मी सोल्जर्स को खो दिया है, और जो बाकी के 19 सोल्जर्स हैं वे भी बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, और उन्हें इंडियन एयरफोर्स की मदद के साथ पास के चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल पर शिफ्ट किया गया है। और बाकी इस घटना से संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगे तो हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुर्घटना में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीरों की आत्मा को शांति मिले, और जो वीर हमारे घायल हैं तो वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इंडियन आर्मी की तरफ से 25 मई को करीब 300 HF मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज की खरीद के लिए एक EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया है। EOI के मुताबिक इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज की जो खरीद है वो मेक टू कैटेगरी के तहत की जानी है, और EOI के मुताबिक इन HF मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रेंजेस पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा। और इसलिए इस प्रस्तावित सिस्टम में क्लियर और सिक्योर मोड दोनों ही तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में ये 1.5 से 30 MHz की फ्रिक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए, ताकि इनकी मदद से वॉइस डेटा मैसेज और वीडियो को ट्रांसमिट किया जा सके। और वैसे आपको बता दें कि इस HF मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज में HF का फुल फॉर्म है हाई फ्रिक्वेंसी, और जो ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एक रिलायबल टेक्निक में आती है, और इसी वजह से हॉस्टिलिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स या ऐसी किसी भी आपदा में इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि निकेई एशिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जापानीज गवर्नमेंट करीब 12 कंट्रीज के लिए अपने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ऐसी अदर आर्म्स के एक्सपोर्ट को मंजूरी देने की योजना बना रही है। और इन 12 कंट्रीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का नाम भी शामिल है। और जापानीज मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में जो ये रेगुलेटरी चेंजेस हैं, ये अगले साल मार्च तक लागू किए जा सकते हैं। हालांकि ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जापान भारत को क्या एक्सपोर्ट कर सकता है US टू MPBS एयरक्राफ्ट को छोड़कर, जिसको खरीदने में भारत ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कई सारे कारणों के चलते वो डील आगे नहीं बढ़ पाई। और हमने भारत द्वारा जापान से जो US टू MPBS एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने वाली डील थी, तो इस पर एक वीडियो पहले बनाई भी है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जापान नए फाइटर जेट्स और मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को डेवलप करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो भी US और UK के कोलैबोरेशन के साथ बनाई जा रही है। तो ऐसे में उनको एक्सपोर्ट करने की अगर जापान सोचता है तो उसको एक्सपोर्ट करना कितना आसान होगा वो तो खैर तभी मालूम पड़ेगा जब इस पर कोई विचार हो। बाकी निकेई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापानीज गवर्नमेंट उन कंट्रीज को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट्स और इस तरह के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की योजना बना रही है, जिनके साथ इंडिविजुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इंडियन नेवी के टैक्टिकल नेवल बेस कारवार के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नेवी की अंडर वाटर ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा की है, और इस दौरान उन्होंने नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS खंडेरी से अपनी पहली सी सॉर्टी भी कंडक्ट करी थी। और नेवी के ऑपरेशनल तैयारियों से रूबरू होने के बाद आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कारवार में नेवी पर्सनल को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज जो कुछ भी अनुभव किया उसके बाद मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया कि इंडियन नेवी एक ऐसी आधुनिक, सक्षम और भरोसेमंद फोर्स है जो हर स्थिति और परिस्थिति में सजग, पराक्रमी और विजय रहने में सक्षम है। और उनका यह भी कहना था कि नेवी की तैयारियां किसी भी आक्रमण के लिए उकसाने वाले नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए है, और इंडियन नेवी जो भी तैयारी कर रही है वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में सभी की शांति और स्थिरता लाने के लिए है। इसके अलावा रक्षा मंत्री का कहना था कि आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय इंडियन नेवी के पास जो 41 शिप्स या सबमरीन्स का ऑर्डर दिए गए हैं उनमें से 39 यानी कि 39 भारत के शिपयार्ड में ही बन रहे हैं। और बाकी आज रक्षा मंत्री ने कनेक्ट विद CNS के दौरान श्रीलंका में INS घड़ियाल को एक सरप्राइज कॉल भी किया था, और बता दें कि INS घड़ियाल श्रीलंका में क्रिटिकल रिलीफ मटेरियल डिलीवर करने के लिए पहुंची है। और बाकी रक्षा मंत्री ने इंडियन नेवी के जिस कारवार बेस को विजिट किया है, तो आपको बता दें कि ये इंडियन नेवी का वो नेवल बेस है जो भारत के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का घर होगा, और ये 30 वॉरशिप्स और सबमरीन्स के साथ 2025 तक न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया रीजन में सबसे बड़ा नेवल बेस होगा।
और प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत इस बेस को 11,000 एकर्स पर डेवलप किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में हमारी फोर्सेस ने सुअरों के संगठन लश्कर के 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 2 आतंकी मारे गए हैं तो ये वही हैं जो टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की किलिंग में शामिल थे। इन दोनों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के तौर पर हुई है। ये दोनों लोकल टेररिस्ट थे जिन्होंने हाल ही में लश्कर को ज्वाइन किया था और इन्होंने टीवी आर्टिस्ट की हत्या भी लश्कर कमांडर लतीफ के इंस्ट्रक्शन पर ही करी थी। इनके पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और पिस्टल भी रिकवर की गई है। और जबकि आज श्रीनगर में भी एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक लश्कर के 2 और सुअरों को सफलतापूर्वक होरिफाइड कर दिया गया है। इनमें से एक की पहचान शकीर अहमद वाजा के तौर पर हुई है और दूसरे की आफरीन आफताब मलिक के तौर पर, और इनके पास से भी आर्म्स एंड एमुनिशंस रिकवर किए गए हैं। और आपको बता दें कि कश्मीर वैली में 3 दिनों के अंदर टोटल 10 आतंकियों को ढेर किया गया है जिनमें से 3 जैश के हैं और 7 लश्कर के। और इतना नहीं बल्कि अभी जो कल कुपवाड़ा में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया था जो कि भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान के इस हरकत पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक बयान देखने को मिला है कि कश्मीर में आतंकवाद के खत्म होते हुए अपने एजेंडे को फिर से पुनर्जीवित करने और सीज फायर की आड़ में इस एजेंडे को बढ़ावा देना पाकिस्तानी आर्मी का एक नया छलावा है। और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कल जिन 3 पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया गया है तो उनके पास से आईडीज जैसे वॉरलाइक स्टोर्स रिकवर किए गए हैं जो कि स्पष्ट रूप से इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि ये स्थानीय लोगों की शांति और स्थिरता के साथ साथ श्री अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के इरादे के साथ भारत में घुसपैठ कर रहे थे। और इंडियन आर्मी का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना पिछले 3 दशक से पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है। और वैसे पाकिस्तान की इन सभी हरकतों को देखकर अब तो हमें यही लगने लगा है कि एक बार फिर से बालाकोट स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन की जरूरत पड़ गई है। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर आयोजित किए गए 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को संबोधित करते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवाल का कहना था कि आतंकवाद और आतंकी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा तथा शांति के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। और इसलिए NSA अजय डोवाल ने अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी को बढ़ाने में जोर दिया है और साथ में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत के विशेष संबंध रहे हैं और कैसी भी परिस्थितियां हों भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता है। भारत अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। उनका यह भी कहना था कि सबसे पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान में सभी लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा और सम्मानजनक जीवन के साथ उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। मानवीय सहायता सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और भारत ने पिछले कई दशकों के दौरान अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि इस मीटिंग में भारत के अलावा तजाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि देखने को नहीं मिला। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के नौगांव में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार हंगपन दादा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। और वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम हवलदार हंगपन दादा पर एक विशेष वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। बाकी आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर के दौरान वन नागा के सिपाही भरत सिंह रावत और 28RR के नायक शिव बासिया कुलकर्णी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी की शिप्स के आगे जो INS लगता है, जैसे कि INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS खंडेरी, तो इसमें INS की फुल फॉर्म क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।